हेलो गाइस, वेलकम टू अमेजिंग लर्निंग हब। आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना व शेयर करना नहीं भूलें। आज हम स्टडी कर रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ये अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जा सकेगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, और ये उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवासित उन हिंदुओं को भी लागू है जो उक्त राज्य क्षेत्रों के बाहर रहते हैं। ये कानून हिंदू धर्म की किसी भी रूप या विकास के अनुसार वीर शैव लिंगायत अथवा प्रार्थना समाज पर भी लागू होगा। ये कानून जैन बौद्ध सिख पर भी लागू है। हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें क्या हैं? 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू विवाह को नियंत्रित करने वाला एक संहिताबद्ध कानून है। 18 मई 1955 को एक संहिताबद्ध कानून बनने पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सभी हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों या सिखों के लिए लागू हो गया है। हिंदू शास्त्रीय विवाह के अधीन विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इस संस्कार को पूरा करने के लिए प्राचीन विधि में भी शर्तें अधिरूपित की गई थी। वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आधुनिक हिंदू विधि है, जिसे प्राचीन शास्त्रीय विधि तथा आधुनिक परिपक्ष को ध्यान में रखते हुए भारत की संसद द्वारा बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू विवाह किए जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तों का समावेश किया गया है। हिंदू विवाह के अधीन इन शर्तों की पूर्ति की जाना अति आवश्यक है। अधिनियम की धारा 5 हिंदू विवाह के लिए के शर्तों को उल्लेख करती है। धारा 7 में हिंदू विवाह के संस्कार बताए गए हैं तथा धारा 8 में हिंदू विवाह के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में उपबंध किए गए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में वैध हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं। धारा 5 उपधारा 1 के अनुसार विवाह के समय दोनों में से किसी एक पक्षकार का कोई पूर्व पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत एक समय में एक ही विवाह को मान्य किया जाएगा। यदि विवाह के समय किसी पक्षकार का कोई जीवित पति या पत्नी है तो ऐसी दशा में किया गया विवाह धारा 17 के अंतर्गत शून्य होगा और भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 494 और 495 के अंतर्गत दंडनीय होगा। एक केस है श्रीमती यमुना बाई अनंतराव आधव बनाम अनंतराव शिवराम आधव AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट 644। इस प्रकरण में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड 1 की व्याख्या करते हुए ये कहा है कि विवाह के समय वर या वधु की कोई पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। सेकंड, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 खंड 2 के अनुसार विवाह का कोई भी पक्षकार दिमागी विकृति के कारण जो वैध सहमति देने में असमर्थ है, यदि वह वैध सहमति देने के योग्य है तो मानसिक अव्यवस्था से इस प्रकार पीड़ित न हो कि वह विवाह और संतान पैदा करने में अयोग्य हो।
या पागलपन अथवा मिर्गी के दौरे से बार बार पीड़ित न रहता हो। ये आधार संशोधित रूप में विवाह विधि अधिनियम 1976 के द्वारा अपनाया गया है। इसके पूर्व अमूर्तता तथा पागलपन शब्दों का प्रयोग करके विवाह के पक्षकारों की मानसिक क्षमता पर जोर दिया गया है। इसका केस है सती चंद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1987। इस मामले में न्यायालय ने कहा है कि यदि पागल व्यक्ति का विवाह कर दिया गया हो तो विवाह विच्छेद की कार्रवाई की जा सकती है। थर्ड अनुच्छेद धारा 5 खंड 3 के अनुसार विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष तथा वधु की आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है और इसका उल्लंघन करने पर धारा अधिनियम की धारा 18A के तहत एक अपराध है, यानी अधिकतम कारावास तक 15 दिन या 1,000 रुपये जुर्माना। जिसका केस है टी शिव कुमार बनाम इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस AIR 2012 मद्रास 62 धारा 5 का खंड 4। जब तक कि उन दोनों में से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो तब पक्षकार प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर नहीं है। खंड 5 जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो तब पक्षकार एक दूसरे के सपिंड नहीं हैं। हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड सेक्शन 7। हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी को भी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांड के अनुसार अनुस्थापित किया जा सकेगा। जहाँ की ऐसी रीतियाँ और कर्म कांड के अंतर्गत सप्तपदी अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधु द्वारा संयुक्त 7 पग चलना हो तो वहाँ पूर्ण और आबद्ध कर होता है। जब 7वां पद चल लिया जाता है जहाँ इस विवाह अधिनियम के जहाँ 7 फेरे जरूरी हैं तभी उसे विवाह माना जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 विवाह दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यस्थापना। जबकि पति या पत्नी ने बिना किसी कारण के एक दूसरे के सहचर्य से अलग कर दिया है तब व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना के लिए जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में तथा इस बात के बारे में कि इसके लिए कोई वैध आधार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों ना कर लिया जाए तथा समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यस्थापना की डिग्री कर सकेगा। सेक्शन 10 विवाह का कोई पक्षकार चाहे वे विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पहले पश्चात संपन्न हुआ तो वह धारा 13 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर न्यायिक प्रतिकरण का आवेदन कर सकता है। जहाँ की न्यायिक प्रतिकरण की डिग्री पारित हो गई हो वहाँ अर्जीदार पर इस बात की बाध्यता न होगी कि वह प्रत्यर्थी के साथ रहे, किंतु दोनों पक्षकारों में से किसी के भी आवेदन द्वारा तथा ऐसी अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में समाधान हो जाने पर न्यायालय यदि वह उचित समझता है न्याय संगत है तो डिग्री को खारिज कर सकता है। विवाह की अकृत्यता और विवाह विच्छेद सेक्शन 11 शून्य विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात स्थापित कोई भी विवाह यदि वे धारा
फाइव के खंड वन फोर्थ और फिफ्थ में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता है तो विवाह शून्य होगा और विवाह के किसी पक्षकार द्वारा अर्जी पर अकृतत्व की डिग्री द्वारा उसे शून्य घोषित किया जा सकेगा। सेक्शन 12 शून्यकरणी विवाह। कोई भी विवाह वह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व या पश्चात हुआ हो तो निम्नलिखित आधारों में से किसी पर भी शून्य करणी होगा और अकृतत्व की डिग्री द्वारा बातिल किया जा सकेगा का संख्या खंड का प्रत्यर्थी की नपुंसकता के कारण विवाह उत्तर अगर संभोग नहीं हुआ या विवाह की धारा 5 के खंड 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करता है कि अर्जीदार की सम्मति पर जहाँ की धारा 5 जिस रूप में बाल विवाह अवरोध अधिनियम प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान थी उस रूप में उसके अधीन अर्जीदार के विवाह संरक्षक की सम्मति से अपेक्षित हो तो विवाह शून्य करने किया जा सकता है। प्रत्यर्थी विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी। सेकंड, किसी बात के होते हुए भी विवाह के बातलीकरण की कोई अर्जी उपधारा 1 के खंडगा में विनिर्दिष्ट आधार पर ग्रहण नहीं की जाएगी यदि अर्जी यथास्थिति बल प्रयोग से कपट के द्वारा दाखिल की गई है। अर्जीदार बल प्रयोग के प्रवर्तनहीन हो जाने के या कपट का पता चल जाने के पश्चात विवाह के दूसरे पक्षकार के साथ अपनी पूर्ण सम्मति से पति या पत्नी के रूप में रह रहा है या रह रही है खा उपधारा 1 के खंड में विनिर्दिष्ट आधार पर तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि न्यायालय को समाधान नहीं हो जाता है। अर्जीदार विवाह के समय अभिकथित तथ्यों से अनभिज्ञ था। कार्रवाई इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में ऐसे प्रारंभ के 1 वर्ष के भीतर और ऐसे प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठापित विवाह की दशा में विवाह की तारीख से 1 वर्ष के भीतर संस्थित की गई है। इसमें विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही अर्जी दाखिल होनी चाहिए। अस्तित्व का अर्जीदार को पता चलने के समय से अर्जीदार की सम्मति से कोई वैवाहिक रिलेशन नहीं हुआ है। अब हम स्टडी करते हैं सेक्शन 13 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 विवाह विच्छेद डिवोर्स। कोई भी विवाह उस अधिनियम के पहले या बाद में हुआ हो पति पत्नी द्वारा अर्जी पर विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा। अगर किसी ने विवाह विच्छेद की याचिका लगाई है चाहे वो विवाह 1955 के पहले हुआ हो चाहे बाद में उसके कानून लागू होगा। दूसरे पक्षकार ने विवाह के समय या पश्चात अपने या पति या अपनी पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ संभोग किया हो। दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया हो। क्रूरता करियो पति या पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ। दूसरे पक्षकार ने अर्जी के पेश किया जाने के पूर्व कम से कम 2 वर्ष की निरंतर कालावधि पर अर्जीदार को अभिव्यक्त रखा हो, यानी कि उसने जब अर्जी लगाई है तो दूसरे पक्षकार ने उसे अपने से 2 साल तक अलग रखा हो। सेकंड, दूसरे पक्षकार अन्य धर्म में संप्रवर्तित हो जाने के कारण हिंदू नहीं रह गए। इसके अनुसार पति या पत्नी में से किसी एक ने धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म त्याग दिया हो। थर्ड, नेक्स्ट, दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित रहा है अथवा निरंतर
रूप से इस प्रकार की इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित है कि अर्जीदार से युक्त रूप से यह आशा नहीं की जा सकता है कि वे प्रत्यर्थी के साथ रहे। इसमें यह है कि वो इतना ज़्यादा पागल हो कि वो ऐसा अपन सोचें कि वो उसके साथ नहीं रह सकता है या रह सकती है। मानसिक विकार पद से मानसिक बीमारी, मस्तिष्क का संदोर, अपूर्ण विकास वगैरह आते हैं। मनोविकृति से मस्तिष्क की दीर्घ स्थायी विकार या निसक्तता अभिप्रेत है, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे पक्षकार का आचरण असामान्य रूप से आक्रामक या गंभीर रूप से अनुत्तरदायी हो जाता है। 4. दूसरा पक्षकार उम्र और असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, दूसरा पक्षकार संचारी रूप से रतिज रोग से पीड़ित हो। नेक्स्ट, दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक पंथ के अनुसार धर्म संन्यास ले चुका हो, दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के भीतर कुछ नहीं सुना हो, जिन्होंने उसके बारे में यदि वे पक्षकार जीवित है, इसके मतलब यह है कि 7 वर्ष से वो अपने पति या पत्नी से इतने दूर जा चुका है कि उसे ये भी नहीं पता वो जिंदा है कि मर चुका है। धारा 13 का विवाह विच्छेद की कार्रवाइयों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुदोष। इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में विवाह विच्छेद की डिग्री के द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी पर उस दशा को छोड़कर जिसमें अर्जी धारा 13 को उपधारा 1 खंड 2 6 7 में वर्णित आधार पर यदि न्यायालय मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए न्याय संगत समझता है तो विवाह विच्छेद की डिग्री के बजाय न्यायिक पृथक्करण के लिए डिग्री पारित कर सकेगा। इसमें क्या होता है, जिसे परमानेंट एलाइमनी या टेम्परेरी एलाइमनी कहते हैं, जब विवाह विच्छेद की डिग्री लगाई जाती है का आवेदन किया जाता है तो पत्नी भरण पोषण की या वाद के खर्चे की कार्रवाई के लिए पति से पैसा मांग सकती है। 13 खा पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद म्यूचुअल कंसेंट कहते हैं। इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर डिवोर्स की डिग्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी, चाहे ऐसा विवाह विधि के पहले हुआ हो चाहे बाद में संपन्न हुआ हो, जिला न्यायालय में इस आधार पर आवेदन कर सकेंगे। वे 1 वर्ष या अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सकते हैं और वे इस बात से सहमत है कि उनका विवाह विघटन किया जा सके। म्यूचुअल कंसेंट में क्या होता है, पति या पत्नी दोनों की म्यूचुअल पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद किया जा सकता है, उसके लिए वो आवेदन लगा सकते हैं। अर्जी पेश किए जाने की तारीख से 6 मास के पश्चात और उस तारीख से 18 मास के पूर्व दोनों पक्षकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर यदि अर्जी वापस नहीं ली जाती है तो न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात और ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वह उचित समझता है और उसे इस बात का न्यायालय को समाधान हो जाता कि इनका विवाह अब नहीं टिक सकता है तो वो ऐसी घोषणा करते हुए विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर सकता है। इसमें क्या है, 6 महीने की डेट दी जाती है, 6 महीने बाद दोनों पक्षकार हाजिर होते हैं तो वो कोर्ट में बताते हैं कि हमारा समझौता हो गया या हम नहीं रह सकते हैं, उसके लिए विवाह विच्छेद की डिग्री दी जा सकती है। इसमें परमानेंट एलाइमनी नहीं दी जाती है। विवाह से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी उपस्थापित न की जाए। सेक्शन 14 इस अधिनियम में किसी बात के भी होते हुए न्यायालय विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा विवाह के विघटन की कोई अर्जी ग्रहण करने के लिए तब तक सक्षम नहीं होगा।
न्यायालय उन नियमों के अनुसार किए गए आवेदन पर जो उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए हैं किसी अर्जी का विवाह की तारीख से 1 वर्ष बीतने के पूर्व इस आधार पर उपस्थित स्थापित किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा कि मामला अर्जीदार के लिए असाधारण कष्ट का या प्रकृति के असाधारण दुराचारता से युक्त है। किंतु यदि अर्जी की सुनवाई के समय न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अर्जीदार ने अर्जी को लगाने के लिए इजाजत के लिए किसी दुर्व्यवदेशन या मामले की प्रकृति द्वारा अभी प्राप्त की है, तो वह डिक्री देने की दशा में इस शर्त के अध्यधीन डिक्री दे सकेगा। सेकंड, विवाह की तारीख से 1 वर्ष के बीत जाने से के बाद विवाह विच्छेद की अर्जी की जा सकती है। कब विवाह विच्छेद की प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकते हैं? ये सेक्शन 15। जबकि विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विकृत कर दिया गया है, मी डाइवोर्स हो चुका है और या डिक्री के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार ही ना हो, या यदि अपील का ऐसा अधिकार हो तो अपील करने के समय कोई अपील उपस्थापित हुए बिना अवसान हो गया हो, तो अपील की गई तो किंतु खारिज कर दी गई है, तब वह विवाह के किसी पक्षकार के लिए पुनः विवाह करना विधिपूर्ण होगा। इसमें क्या है, अगर डिक्री हो गई है, अपील का टाइम निकल गया है, अपील नहीं कर पा रहे हैं, तो पक्षकार किसी दूसरे से विवाह कर सकते हैं, फिर वो बाध्य नहीं है, क्योंकि क्या जनरली अपील का अधिकार सभी को रहता है। अब हम समझते हैं उत्तराधिकार अधिनियम। उत्तराधिकार का मीन्स, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है तो उसका संपत्ति का वितरण किस हिसाब से होगा। ये हिंदू अधिनियम 1956 में दिया गया है। हिंदू कोड बिल के अंतर्गत पारित कई कानूनों में से एक है। इस अधिनियम के अंतर्गत ये बताया गया है कि जब किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है तो उस व्यक्ति की संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों, परिजनों या संबंधियों में कानूनी रूप से किस तरह बांटी जाएगी। इसका मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति जिस पर प्रॉपर्टी है बिना वसीयत के एक्सपायर हो जाता है, उसके उत्तराधिकारी मीन्स उसके बच्चे, बच्चों के बच्चे, पारिवारिक संबंधी में किस तरह वितरित की जाएगी। अधिनियम में मृतक के वारिसों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। मृतक की संपत्ति में उनको मिलने वाले हिस्से के बारे में भी बताया गया है। अधिनियम किन व्यक्तियों पर लागू होगा? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जो व्यक्ति जन्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म अपना लिया, कोई जायज़ या नाजायज़ बच्चा जिसके माता पिता में से कोई एक धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो और जिसका पालन पोषण किसी जनजाति समुदाय, समूह और परिवार के रूप में हुआ है, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति पर जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी ना हो, जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि वह हिंदू धर्म का पालन नहीं करता है। यह अधिनियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों पर तब तक लागू होगा जब तक केंद्र सरकार द्वारा ऐसा करने की घोषणा नहीं की गई हो। ये कानून हिंदू धर्म की सभी जातियों पर लागू होता है, चाहे सामान्य, चाहे ST SC हो, चाहे OBC हो। और ST SC पर अगर सरकार कोई कानून बना देगी तब ये कानून लागू नहीं होगा।
अब ये है इसमें, ये अधिनियम निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होता, ये इसके अपवाद हैं। ये अधिनियम ऐसी संपत्ति पर लागू नहीं होगा जिस संपत्ति पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 लागू होता है। सौतेला, सौतेले वह बच्चे होते हैं जिसके माँ या बाप ने दूसरा विवाह किया है। ऐसे मामलों में पिता के जैविक बच्चे, जैविक मीन्स जो पहली पत्नी से जो कानून के अनुसार शादी हुई थी, का संपत्ति पर पहला अधिकार होता है। संक्षेप में कहें तो जैविक बच्चों का अधिकार सौतेले बच्चों से ज़्यादा होता है। एक साथ मृत्यु के मामले में अगर दो लोग मारे गए हैं और अगर यह निश्चित हो जाता है कि किसने दूसरे को बचाया, तो उत्तराधिकार के लिए उस इसका विरोध होने तक यह माना जाता है कि छोटे ने बड़े को बचाया। लड़कियों का भाग, किसी हिंदू संघ परिवार का मुखिया वसीयत छोड़े बिना ही मर जाता है, उसके परिवार में बेटे और बेटियां हैं, उसकी संपत्ति में एक मकान भी है जिस पर किसी भी वारिस का पूरी तरह से कब्जा नहीं है, ऐसे में बेटियों को हिस्सा तभी मिलेगा जब बेटे अपना अपना हिस्सा चुन लेंगे। हालांकि अगर बेटी अविवाहित विधवा या पति द्वारा छोड़ दी गई है तो कोई भी उससे घर में रहने का अधिकार नहीं छीन सकता, वहीं विवाहित महिला को इस प्रावधान का अधिकार नहीं मिलता है। पुनर्विवाहित विधवाएं, मतलब जिस विधवाएं जिसकी दोबारा शादी हो गई है, यदि मर चुके बेटे या भाई की विधवा उस समय तक विवाह कर लेती है जब न्यायालय उत्तराधिकार के मामले में सुनवाई करती है, तो इसे संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। धर्म बदलने वालों के उत्तराधिकारी, धर्म बदल चुके लोगों को पूर्वज या पिता द्वारा अधिग्रहित संपत्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि ऐसे लोगों के उत्तराधिकारियों को अपने हिंदू संबंधियों की संपत्ति में हक नहीं मिलेगा यदि वे उत्तराधिकार के समय हिंदू नहीं। इसमें ये भी है, अगर किसी ने, उत्तराधिकारी ने धर्म बदल लिया है तो वो अपनी वो संपत्ति के लिए दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये नियम पूरी तरह हिंदुओं पर लागू होता है। अयोग्य उत्तराधिकारी का उत्तराधिकारी, अयोग्य मीन्स जैसे कि अब धर्म बदल लिया, अयोग्य हो गया उत्तराधिकारी, अब उसके उत्तराधिकारी के बारे में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में क्या कहा गया है, ये आप हम समझते हैं। अयोग्य उत्तराधिकारी के लिए ये माना जाता है कि वे वसीयत बनने से पहले ही मर चुका है, इसलिए उत्तराधिकार उसी के अनुसार जारी रहता है। पिता जो अयोग्य वारिस है, उसे भले ही कोई संपत्ति नहीं मिले, लेकिन उसका बेटा या श्रेणी वन के उत्तराधिकारी गैर हिंदू विभाजित परिवार में विरासत पर दावा कर सकते हैं। हमारे कानून में ये कहा गया, अगर अयोग्य उत्तराधिकारी है उसके बच्चे तो वो संपत्ति के लिए दावा कर सकते हैं। इस तरह हमने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम समझा है। भारत में ईसाइयों के संपत्ति अधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। भारत में करीब 28 मिलियन लोग इस आस्था का पालन करते हैं, जो देश की आबादी का सिर्फ 2.3% हिस्सा है। इससे पहले केरल के ईसाई त्रावणकोर ने अपने स्वयं के नियमों का एक सेट का पालन किया, जबकि कोचीन ईसाइयों के अपने नियम थे। पांडिचेरी में ईसाइयों ने फ्रांसीसी नियमों को अपनाया, जबकि गोवा, दमन और द्वीप के कुछ हिस्सों में पुर्तगालियों ने निर्धारित नियमों का पालन किया। बाद में इसे निरस्त कर दिया गया और
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 सभी पर बाध्यकारी है। हालांकि कुछ ईसाई अभी भी अपने प्रथागत कानूनों का पालन करते हैं। यहाँ कुछ तथ्यों को ध्यान में रखना है। समान स्तर पर पुरुषों और महिलाओं के लिए उत्तराधिकार है और उत्तराधिकार का ईसाई कानून समान है। किसी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहण की स्थिति के बावजूद आत्म अधिग्रहण के रूप में माना जाता है और किसी के जीवन काल के दौरान इसके लिए कोई अन्य प्रतियोगिता नहीं कर सकता। एक विधवा जो निषेध करता है वह किसी विवाहित व्यक्ति की संपत्ति के लिए सफल नहीं हो सकती। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के बिना मृत्यु हो गई, अगर उसके विवाह से पहले एक वैध कानून उसके पति की संपत्ति में भाग लेने से रोकता है। सामान्य मामलों में मृतक की संपत्ति पत्नी पति या परिवार पर निर्भर करती है। उत्तराधिकार का तरीका, जब मृतक एक विधवा बच्चों के पीछे छोड़ देता है तो संपत्ति का एक तिहाई विधवा के पास जाता है और दो तिहाई उसके कानूनी वारिसों के बीच वितरित किया जाता है। यदि मृतक के पास कोई बच्चा या पोते नहीं है लेकिन एक विधवा जो जीवित रहती है उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा विधवा से संबंधित होगा और दूसरे आधे उसके अपने परिवार के लिए होगा। अगर कोई बच्चे या पोते नहीं है तो पूरी संपत्ति विधवा को भी दी जा सकती है। यदि एक मृतक की पत्नी पहले से ही पूर्व में मृतक है लेकिन पूर्व मृत बच्चों के माध्यम से बच्चों या पोते से के बच गई है तो संपत्ति उनके बीच समान रूप से विभाजित होती है। पिताजी पहले से अन्य रिश्तेदारों में से यदि मृतक का पिता जीवित है तो सारी संपत्ति पिता के पास जाएगी। यदि मृत व्यक्ति का पिता जीवित नहीं है लेकिन माँ जीवित है तो पूरी संपत्ति माँ के पास चली जाएगी। जब भाई बहन भतीजे या भतीजे सहित अन्य रक्त के रिश्तेदार भी जीवित नहीं है, अगर मृतक व्यक्ति का पिता भी जीवित नहीं है लेकिन माँ है और भाई बहनों भतीजियों भतीजों जैसे अन्य रक्त के रिश्तेदार हैं तो ऐसी सभी रक्त के रिश्तेदारों सहित माँ सहित शेयर कर दी जाएगी। पहली और दूसरी पत्नियों का हिस्सा एक ईसाई आदमी केवल दूसरी पत्नी की मृत्यु के बाद ही कानूनी रूप से दूसरी पत्नी से शादी कर सकता है या कानूनी तौर पर उसे तलाक दे सकता है अगर उसकी दूसरी पत्नी है जबकि उसकी पहली पत्नी अभी भी जीवित है या तलाक नहीं हुआ है तो उसकी दूसरी पत्नी या उसके द्वारा जन्मे बच्चे मनुष्य मृतक की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं लेंगे। केवल पहली पत्नी और उसके बच्चों के पास पूरा अधिकार है। कानूनी रूप से तलाकशुदा पत्नी के बच्चों की एक दूसरी पत्नी और उसके बच्चों के समान उनके पिता की संपत्ति पर बराबर का हिस्सा है। ना सिर्फ संपत्ति मृत व्यक्ति की जंगम संपत्तियों को भी ऊपर अनुसार विभाजित किया गया है। इसमें बैंक फर्नीचर आभूषण जहाज इत्यादि में शामिल है। पारसी धर्म में इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 लागू है। मौजूदा नियम के तहत हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार है लेकिन पारसी महिलाओं को ये अधिकार नहीं है। हिंदुओं की बेटे और बेटियों को समान अधिकार है जबकि पारसी धर्म में बेटों और बेटियों के अधिकारों में अंतर है। जैसे कि यदि किसी पारसी ने किसी अन्य धर्म की लड़की से शादी कर ली तो उसको संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है, ना ही उसे पारसी माना जाता है चाहे उसने पारसी धर्म अपना लिया हो। स्टडी कर रहे हैं फैमिली कोर्ट के बारे में।
फैमिली कोर्ट एक्ट क्या है। आज के मॉडर्न एज में पारिवारिक विवादों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में विवाह को एक पवित्र बंधन के रूप में माना जाता है, परंतु कई बार विभिन्न कारणों से इस पवित्र रिश्ते में दरार आ जाती है। कई बार तो ये आपसी विवाद एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है दोनों पक्षों को कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है और मामला सुलझाने नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में लोग न्यायालय की ओर जाते हैं। भारत में लोगों को त्वरित न्याय देने के लिए विभिन्न प्रकार की अदालतों का गठन किया गया है, ताकि न्यायालय पर मुकदमों का भार कम होने के साथ ही लोगों को शीघ्रता से न्याय मिल सके। पारिवारिक विवादों को देखते हुए फैमिली कोर्ट का गठन किया गया है। आज हम फैमिली कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। फैमिली कोर्ट क्या है? व्हाट इज फैमिली कोर्ट? फैमिली कोर्ट को परिवार न्यायालय तथा कुटुंब न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। पारिवारिक मामलों में पति पत्नी का झगड़ा, सास बहू का विवाद आदि होते हैं। इस प्रकार से पारिवारिक और विवाह से संबंधित मामलों में कोर्ट द्वारा मध्यस्थता कर विवाद को बातचीत के माध्यम से समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1984 में परिवार न्यायालय अधिनियम पारित किया गया है और इसी अधिनियम के अंतर्गत फैमिली कोर्ट का गठन किया गया था। कुटुंब न्यायालय को गठित करने का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थता, आपसी बातचीत और क्षतिपूर्ति के माध्यम से दोनों पक्षों में समझौता कराना है। इसके बावजूद भी यदि विवाद नहीं निपटता है, फैमिली कोर्ट के माध्यम से विवाद का निपटारा किया जाता है। फैमिली कोर्ट का अन्य न्यायालयों की अपेक्षा कुछ अलग होता है, क्योंकि ये कोर्ट दोनों पक्षों की संतुष्टि का कार्य करता है और इसका उद्देश्य विवाद का निपटारा कर आपस में समझौता कराना होता है। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 14 सितंबर को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में 6 चैप्टर और 23 सेक्शंस हैं। यह अधिनियम परिवार और विवाह में उत्पन्न होने वाले विवादों और उससे संबंधित मामलों में तेजी से और सुरक्षित निपटारे के लिए पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई है। दरअसल न्यायालयों पर मुकदमे का बोझ बढ़ने के साथ ही कई वर्षों तक चलने वाली लंबी कानूनी प्रक्रियाओं के चलते लोगों को न्याय मिलने में काफ़ी समय लग जाता था, जिसके कारण पारिवारिक जीवन अदालत की लंबी लड़ाइयों में चला जाता था। इसके लिए कुछ नागरिकों के संगठन, महिला संगठन और अन्य कई संगठनों ने पारिवारिक विवादों को त्वरित हल करने के लिए एक फैमिली कोर्ट की स्थापना की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1984 में फैमिली कोर्ट अधिनियम पारित हुआ, जिसके अंतर्गत पारिवारिक न्यायालय का भी गठन किया गया। भारत में फैमिली कोर्ट की स्थापना इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में जहां जनसंख्या 10 लाख से अधिक है या उस क्षेत्र में जहां राज्य सरकार आवश्यक समझती है परिवार न्यायालय की स्थापना करेगी। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद उस क्षेत्र की सीमा निर्दिष्ट करेगी जहां तक परिवार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार होता है। यह फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की ऐसी सीमा को कम या बढ़ा या
बदल भी सकता है जैसी भी आवश्यकता हो। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के अनुसार इस न्यायालय की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। फैमिली कोर्ट अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालय की सहमति से परिवार न्यायालय की स्थापना की प्रावधान है। इस एक्ट के अंतर्गत 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक फैमिली कोर्ट स्थापित करना आवश्यक है। इस कोर्ट के लिए न्याय जजेस की नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालय की सहमति से की जाती है। फैमिली कोर्ट को एक सिविल कोर्ट की भांति शक्तियां प्राप्त हैं, जिससे समझौता कानूनी होता है। पति और पत्नी के अलग होने पर बच्चे की कस्टडी को लेकर निर्णय देने की शक्ति फैमिली कोर्ट के पास होती है। इस अधिनियम के अनुसार आप किसी लीगल एक्सपर्ट से न्याय मित्र के रूप में एडवाइस ले सकते हैं, परंतु वह किसी भी पक्ष की तरफ से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, अर्थात इस कोर्ट में वकील की आवश्यकता नहीं होती है। फैमिली कोर्ट के पास ये अधिकार और शक्तियां होती हैं कि इसके संचालन हेतु प्रावधान बन सके। फैमिली कोर्ट को प्राप्त शक्तियों के आधार पर ये किसी भी डॉक्यूमेंट या स्टेटमेंट को प्राप्त कर सकता है, भले ही वह इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत स्वीकार्य न हो। फैमिली कोर्ट के आदेशों का प्रवर्तन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत होता है। अब फैमिली कोर्ट के द्वारा निपटारने वाले केसेस, किस प्रकार के केस फैमिली कोर्ट द्वारा निपटाए जाते हैं। विवाह विच्छेद डाइवोर्स, भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है, जिसके कारण यहाँ विवादित जोड़ों की संख्या भी अधिक है। विवाहित जोड़े अधिक होने के कारण उनकी फैमिली के बीच विवाद के अधिक होने की संभावना भी होती है। ऐसे में विवादों के निपटारे के लिए फैमिली कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं। भारत में फैमिली कोर्ट मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939, मुस्लिम महिला अधिनियम 1986, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 जैसे विभिन्न अधिनियमों के तहत तलाक की डिग्री देने की अपील स्वीकार कर सकता है। तलाक अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम 1954, विदेशी विवाह अधिनियम 1969 आदि। हिंदू विवाह के विघटन के लिए कोई भी हिंदू विवाह अधिनियम 1960 के तहत तलाक के लिए अपील दायर कर सकता है, अर्थात सभी धर्मों के विवाह संबंधित विवादित केस फैमिली कोर्ट में आते हैं। सेकंड, बच्चों की कस्टडी। सेक्शन 7(1) में स्पष्टीकरण में प्रावधान है कि फैमिली कोर्ट के पास एक उचित व्यक्ति को बच्चे की कस्टडी देने और सही व्यक्ति को एक नाबालिग का अभिभावक बनाने का अधिकार प्राप्त है। बच्चे की कस्टडी से संबंधित मामले फैमिली कोर्ट में दायर किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पिता उत्तर प्रदेश में रहते हैं और माता नाबालिग बच्चे के साथ मुंबई में रहती है और पिता बच्चे की कस्टडी चाहते हैं, तो पिता को मुंबई के फैमिली कोर्ट में मामला दर्ज कराना होगा। थर्ड इज घरेलू हिंसा पर सुरक्षा आदेश। फैमिली कोर्ट एक्ट में घरेलू हिंसा के मामलों में घरेलू मामलों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया है, फिर भी घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत एक प्रावधान है, जिसके अनुसार पारिवारिक अदालत
घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों पर भी विचार कर सकती हैं। नेक्स्ट, संपत्ति विवाद, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 7(1) के स्पष्टीकरण के अनुसार फैमिली कोर्ट के पास शादी के पक्षकारों की संपत्ति से संबंधित विवादों पर अधिकार क्षेत्र है। आम तौर पर विवाह के पक्षकारों के बीच विवाद तब उत्पन्न होते हैं जब तलाक की डिक्री पारित हो जाती है। पारिवारिक न्यायालय दो शर्तों को पूरा करके विवाद के पक्षों की संपत्ति के विवादों से संबंधित मुकदमे पर विचार कर सकता है। ऐसा विवाद केवल विवाह के पक्षकारों के बीच उत्पन्न हुआ हो, ऐसा विवाद किसी भी पक्ष की संपत्ति के कारण उत्पन्न हुआ हो। भारत में पैतृक संपत्ति के अधिकार। पैतृक संपत्ति वो होती है जो हमें अपने मृतक पूर्वजों से मिलती है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि भारत में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 301 कहता है कि कानूनी आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। कौन होता है उत्तराधिकारी? वारिस की अवधारणा की कानूनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। विश्व भर के अधिकतर कानूनों की तरह भारतीय कानून भी वारिस की अवधारणा को मान्यता देता है। उत्तराधिकारियों में वे व्यक्ति आते हैं जो अपने पूर्वजों से कानूनी तौर पर संपत्ति प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। पैतृक संपत्ति को मालिक के कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच भारत के विभिन्न कानूनों के तहत बांटा जाता है। यह आर्टिकल भारत में विरासत वारिस की अवधारणा और संपत्ति के अधिकारों के बारे में है। पैतृक संपत्ति क्या है? हिंदू कानून के तहत संपत्ति या तो स्वयं अर्जित संपत्ति होगी। स्वयं अर्जित मीन्स जो अपनी कमाई के द्वारा, अपनी इनकम के द्वारा हम खरीदते हैं, अर्जित होती है, वो स्वयं अर्जित संपत्ति कहलाती है। या पैतृक संपत्ति होगी। पैतृक संपत्ति मीन्स हमें जो अपने दादा, पिताजी या और परिवार के लोगों से मिलती है, वो पैतृक संपत्ति होती है। दोनों प्रकार की संपत्ति के बीच का अंतर स्वयं स्पष्ट है। जो संपत्ति मालिक ने अपने संसाधनों का उपयोग करके अर्जित की है, वह उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति है, जबकि जो संपत्ति उसे अपने परिवार के सदस्यों से विरासत में मिली है, वह पैतृक संपत्ति है। दोनों प्रकार की संपत्तियों के बीच अंतर को काफ़ी जटिल बनाने वाला तथ्य यह है कि स्वयं अर्जित संपत्ति एक समय के बाद पैतृक संपत्ति बन जाती है, क्योंकि वो हमारे बच्चों को और उनके पोते वगैरह को चली जाती है। इसका उल्टा भी सही है। पैतृक संपत्ति भी स्वयं अर्जित बन सकती है। जब कोई पैतृक संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों में बांट दी जाती है, तो वह परिवार के सदस्य के हाथों में स्वयं अर्जित संपत्ति बन जाती है। जैसे कि विभाजन हुआ, हमको संपत्ति मिली अपने पापा या दादा से, जब हमारे जो हिस्से में आई वो हमारी फिर स्वयं अर्जित संपत्ति हो जाती है, तो वह परिवार के इसी प्रकार किसी व्यक्ति के परदादा की स्वयं अर्जित और
अविभाजित संपत्ति आखिरकार पैतृक संपत्ति बन जाती है। पैतृक संपत्ति के कानूनी वारिस कौन होते हैं? वारिस वो व्यक्ति होते हैं जिसे कानूनी रूप से उन पूर्वजों की संपत्ति विरासत के रूप में प्राप्त करने का अधिकार होता है जो बिना वसीयत छोड़े स्वर्गवासी हो गए हैं, जिन्हें हम निर्वसीयती कहते हैं। ऐसे संपत्ति के मालिक की मृत्यु के बाद संपत्ति के उत्तराधिकार और अन्य दावों से संबंधित मामलों को कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा उठाए जाने की आवश्यकता होती है। वारिस की अवधारणा अलग अलग धर्मों में भिन्न है, इसी वजह से मृत व्यक्ति की संपत्ति में उनके संपत्ति के अधिकार भी उनके धर्म के अनुसार भिन्न होते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सभी हिंदुओं, बौद्धों, जैन और सिखों पर लागू होता है। यह उन पर भी लागू होता है जो इनमें से किसी भी धर्म में कन्वर्ट हुए हैं या फिर माँ बाप की शादी के बिना जन्म हुआ है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भारतीय मुस्लिमों और ईसाइयों पर लागू नहीं होता है क्योंकि मुस्लिमों का उत्तराधिकार नियम अलग होता है, ईसाइयों का भी उत्तराधिकार नियम अलग होता है। इसलिए ये कानून हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अन्य धर्मों के लोगों पर लागू नहीं होता है क्योंकि संपत्ति उनकी कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में कैसे मिलेगी, इसके लिए उनके निजी कानून हैं। हम उन सभी के प्रॉपर्टी अधिकारों के बारे में बात करेंगे जिन पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तब सवालों में आता है जब किसी हिंदू की बिना वसीयत छोड़े ही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उत्तराधिकार कानून के नियमों पर निर्भर करता है। यदि वसीयत छोड़कर व्यक्ति जाता है तो कानून के अनुसार, वसीयत के अनुसार संपत्ति बांट दी जाती है। निर्वसीयत ही मरता है, जो जिसने वसीयत नहीं की है तो उस वक्त ये विवाद उत्पन्न होता है और ये विवाद कानूनी न्यायालय द्वारा फैमिली कोर्ट के द्वारा निपटाया जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तब लागू होता है जब किसी हिंदू की बिना वसीयत छोड़े ही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उत्तराधिकार कानून के नियमों पर ही निर्भर करता है कि एक हिंदू शख्स की मौत के मामले में उसकी संपत्ति और वरीयता क्रम में जाती है। क्या बेटियों की शादी के बाद बेटियां पिता की संपत्ति पर दावा कर सकती हैं? इसमें प्रॉपर्टी के मामले में बेटियों को बराबर का अधिकार दिया गया था। 2005 से पहले केवल बेटों को ही मृतक पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता था, जबकि बेटियां जब उनकी शादी नहीं होती थी तब उनको मिलता था। ऐसा माना जाता था कि शादी के बाद महिला अपने पति की संपत्ति से जुड़ जाती है और उस संपत्ति में उसका अधिकार होता है। अब शादीशुदा और गैर शादीशुदा बेटियों को भी अपने पिता की संपत्ति में भाइयों के बराबर का अधिकार है। वे भी अपने भाइयों की तरह समान कर्तव्यों देनदारों की हकदार हैं। ऐसा नहीं है कि वो संपत्ति बस ले लेंगी, अगर कोई देनदारी है तो बेटियों को भी उनको देना पड़ता है। 2005 में ये फैसला सुनाया गया कि एक बेटी के पास समान अधिकार है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेटी अपने मृत पिता की संपत्ति को विरासत में हासिल कर सकती है, भले ही पिता इस तारीख पर जीवित था कि नहीं।
यहाँ महिलाओं को सहायक के रूप में भी स्वीकार किया गया था। वे पिता की संपत्ति में हिस्सा मांग सकती हैं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बेटियों को अपने माता पिता की स्वयं अर्जित की गई संपत्ति और किसी भी अन्य संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार है और वे उसकी पूर्ण रूप से मालिक हैं। बेटे की प्रॉपर्टी में मां का अधिकार। एक मां अपने मृत बेटे की संपत्ति की कानूनी वारिस होती है, इसलिए अगर कोई शख्स अपनी मां, पत्नी और बच्चों को छोड़कर गुजर गया है तो उसकी संपत्ति पर सभी का समान अधिकार होता है। गोद लिए हुए बच्चों के प्रॉपर्टी में अधिकार। गोद लिया हुआ बच्चा क्लास वन उत्तराधिकारी होता है और उसे भी वही सारे अधिकार मिलते हैं जो एक जैविक बच्चे को मिलते हैं। अगर पिता को किसी अपराध के कारण प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी होने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था तो एक गोद लिया बच्चे अपने दत्तक पिता की संपत्ति के लिए दावा नहीं कर सकता है। अगर पिता ने कोई ऐसा धर्म अपना लिया है और गोद लिया हुआ बच्चा भी उसी धर्म का पालन कर रहा है तो भी इस मामले में गोद लिया बच्चा पैतृक संपत्ति हासिल नहीं कर सकता है। छोड़ी गई पहली पत्नी के प्रॉपर्टी में अधिकार। मान लीजिए कोई हिंदू अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए छोड़ देता है और दूसरी शादी कर लेता है। इस मामले में उनकी पत्नी शादी कानून की ओर से रद्द नहीं की गई है और पहली पत्नी और इनके बच्चे कानूनी उत्तराधिकारी हैं। अगर दोनों का तलाक हो चुका है तो पहली पत्नी प्रॉपर्टी में कोई दावा नहीं कर सकती है, लेकिन उसकी जो चीज़ें हैं वो उसी की रहेंगी। वहीं अगर पति और पत्नी ने प्रॉपर्टी की खरीद में योगदान दिया है तो तलाक के मामले में दोनों के मौद्रिक योगदान के प्रतिशत का जिक्र होना जरूरी है। ये खास तौर पर तब जरूरी है जब आप संपत्ति में बेदखली का मुकदमा दायर करते हैं। दूसरी पत्नी के प्रॉपर्टी में अधिकार। दूसरी पत्नी के पास पति की संपत्ति में पूरा अधिकार होता है, बशर्ते पति की पहली पत्नी का फिर से शादी करने से पहले ही निधन या तलाक हो गया है। उसके बच्चों का भी पिता के हिस्से में पहली पत्नी से हुए बच्चों की तरह समान अधिकार होता है। अगर दूसरी शादी कानूनी नहीं है, ना तो दूसरी पत्नी और ना ही उसके बच्चों का पैतृक संपत्ति में कानूनी हक अधिकार होता है। धर्मांतरण का संपत्ति का अधिकार पर प्रभाव। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक किसी शख्स ने अगर दूसरा धर्म अपना लिया है तब भी वह प्रॉपर्टी विरासत में हासिल कर सकते हैं। अगर कोई शख्स अपना धर्म बदलता है तो भारतीय कानून उसे प्रॉपर्टी विरासत में हासिल करने से नहीं रोक सकता है। जाति विकलांग निष्कासन अधिनियम कहता है कि जिसने भी अपने धर्म का त्याग किया है उसे प्रॉपर्टी विरासत में मिल सकती है, लेकिन कन्वर्ट होने वाले के वारिस समान अधिकारों का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। अगर बेटा या बेटी हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करते हैं तो उन्हें पैतृक संपत्ति विरासत में देने से अयोग्य ठहराया जा सकता है। मृतक पत्नी की प्रॉपर्टी में पुरुष का अधिकार। पत्नी के जीवित रहते हुए पति के उसकी प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं होता है। जब पत्नी का देहांत हो जाता है तो प्रॉपर्टी
पति और बच्चों के बीच में बट जाती है। भारत में विधवाओं का संपत्ति का अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के मुताबिक अगर कोई शख्स बिना वसीयत मर जाता है तो एक मृत शख्स की संपत्ति को उसके वारिसों के बीच अनुसूची के वर्ग एक में बांटा जाएगा। अगर कोई शख्स वसीयत छोड़ उसकी विधवा एक हिस्सा लेती है, मृतक के वर्ग एक के उत्तराधिकारी विधवा उसका बेटा उसकी बेटी उसकी माँ मर चुके बेटे का बेटा मर चुके बेटे की बेटी मर चुके बेटे की विधवा मर चुकी बेटी का बेटा मर चुकी बेटी की बेटी मर चुके बेटे की बेटी मर चुके बेटे की बेटी पहले से मर चुके बेटे के पूर्व मृत बेटे की बेटी पहले से मर चुके बेटे के पहले से मर चुके बेटे की विधवा क्या अपराधी विरासत का दावा कर सकता है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कहता है कि गंभीर अपराधों में जिसको दोषी करार कर दिया जाता है तो उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। सौतेले बच्चों का संपत्ति का अधिकार। सौतेले बच्चे वे होते हैं जहां एक बच्चा दूसरी पत्नी साथी के साथ पिता से पैदा होता है और दूसरा बच्चा दूसरे पति साथी के साथ पत्नी से पैदा होता है। संक्षिप्त में जहां एक पेरेंट समान होते हैं तो बच्चा उस व्यक्ति के करीब होता है जिससे वह प्रॉपर्टी विरासत में पा रहा है। ऐसे में उसे तवज्जो दी जाएगी। उदाहरण देखते हैं, अगर अभिषेक भावना से शादी करता है और चंदन अभिषेक की पहली पत्नी का बेटा है, देवेंद्र भावना के पहले पति का बेटा है, तो अगर अभिषेक की प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो तवज्जो चंदन को दी जाएगी। अविवाहित माँ और बच्चे के अधिकार। इसे लेकर अभी कोई नियम नहीं है, फिर भी अविवाहित कपल जिसके बच्चे हैं उन्हें अपना हिस्सा कैसे मिलेगा? अगर माता पिता के बीच कस्टडी को लेकर लड़ाई है, माता पिता एक ही धर्म के हैं तो उसे पर्सनल लॉ पर विचार किया जाएगा। अगर वे एक धर्म के नहीं हैं तो छोटे बच्चों से जवाब मांगा जाएगा और बच्चों की काउंसलिंग कराई जाएगी ताकि उस पर मानसिक प्रभाव ना पड़े। वरिष्ठ नागरिकों के पास संपत्ति का विशेष अधिकार है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 23 जुलाई 2021 को एक वरिष्ठ नागरिक के अपने घर में रहने के अधिकार को बरकरार रखा और कहा कि उसका बेटा और बेटी संपत्ति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ लाइसेंसधारी थे और इसलिए बेदखली के लिए उत्तरदायी थे। वरिष्ठ नागरिक के अपने घर में विशेष रूप से निवास करने के अधिकार पर हाई कोर्ट ने कहा है कि इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के चश्मे से देखा जाना चाहिए।